हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नोकिया के लेटेस्ट अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि होगा नोकिया 8.3। और ये मिड रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए होने वाला है। इसमें आपको काफ़ी बेटर फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे इसकी कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी लेटेस्ट टेक वीडियोज़ के लिए। सबसे पहले बात करें इसकी डिस्प्ले को लेकर, तो यहाँ पर 6.8 इंचेस की एक बहुत ही बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि एक फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आएगी। इसी के साथ ये एक IPS LCD डिस्प्ले रहने वाली है, जिसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक सिंगल पंच होल डिज़ाइन सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ यहाँ पर आपको 90Hz या फिर 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। अगर बात करें इसके प्रोसेसर को लेकर, तो यहाँ पर मिड रेंज सेगमेंट का प्रोसेसर होने वाला है स्नैपड्रैगन 765 का, और ये एक 5G इनेबल्ड प्रोसेसर होगा, जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर रहने वाला है। इसी के साथ एड्रीनो 620 का GPU होने वाला है। अगर बात करें इसके रैम एंड स्टोरेज वेरियंट को लेकर, तो 6GB एंड 8GB के रैम वेरियंट देखने को मिलेंगे। इसी के साथ 128GB तक की स्टोरेज कैपेसिटी के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है। अगर बात करें इसके कैमरा सेटअप को लेकर, तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि सर्कुलर शेप में होने वाला है। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा। इसी के साथ 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें इसके सेल्फी कैमरा को लेकर, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बेटर सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, क्योंकि 24 मेगापिक्सल के पंच होल डिज़ाइन सेल्फी कैमरा के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है। इसी के साथ 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी होने वाली है, जिसमें 18 वॉट का फास्ट चार्जर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इसके कुछ अदर फीचर्स की, तो इसमें आपको एंड्रॉयड 10Q का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड गो के साथ। और इसी के साथ 3.5mm हेडफोन जैक, टाइप सी पोर्ट जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें इसकी लॉन्च डेट की, तो ये आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिलने वाला है। जो इसकी प्राइसिंग एक्सपेक्टेड रखी गई है, वो हो सकती है 40,000 से लेकर 45,000 के अराउंड। सो गाइज, अगर नोकिया को यहाँ पर मिड रेंज सेगमेंट को बीट करना है, तो उसको 35,000 से लेकर 40,000 के अराउंड इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च करना होगा, तभी ये कुछ खास कर पाएगा। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के किसी भी स्मार्टफोन और टेक्निकल अपडेट से जुड़ी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।